कांग्रेस आदिवासियों का अपमान करती है, ये बात कहकर कमलनाथ के करीबी छिंदवाड़ा के महापौर विक्रम आहाते ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। विक्रम आहाते के कांग्रेस छोड़ने से कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। आहाते ने भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के समक्ष भाजपा की सदस्यता ली। छिंदवाड़ा में कमलनाथ को फिर जोर का झटका लगा है। इस बार उनके करीबी छिंदवाड़ा के महापौर विक्रम आहाते भाजपा में शामिल हो गए हैं। महापौर विक्रम आहाते ने कांग्रेस छोड़कर तत्काल भाजपा की सदस्यता ले ली। आहाते के साथ छिंदवाड़ा नगर निगम जल विभाग सभापति प्रमोद शर्मा, अनुसूचित जाति विभाग के जिला अध्यक्ष सिद्धांत थनेसर, युवा कांग्रेस नेता आशीष साहू, धीरज राउत, आदित्य दुबे और सुमित दुबे भी भाजपा में शामिल हो गए। इससे पहले भी कांग्रेस के साथ पार्षदों ने भाजपा की सदस्यता ली थी। पिछले नगर निगम चुनाव में कमलनाथ ने ही भविष्य की संभावना को देखते हुए विक्रम आहाते को टिकट दिलवाया था। अब विक्रम आहाते ने कहा कि ऐसी पार्टी में नहीं रहना जहां आदिवासियों का अपमान किया जाता है। देश और प्रदेश आदरणीय मोदी जी, आदरणीय मोहन यादव जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है और सभी वर्गों को एक साथ लेने का काम सर्वस विकास सबके साथ सबका विकास के रूप में काम करने को लेकर आदरणीय मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय मोहन यादव जी चल रहे हैं। तो हम उनके कार्यों से, उनकी रीति नीतियों से, उनकी जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रभावित होकर हमने भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का, उनके नेतृत्व में काम करने का डिसीजन लिया है। और मुझे खुशी इस बात की है कि उन्होंने शहर अपने परिवार में हमें स्थान दिया, इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। मुख्यमंत्री निवास पर छिंदवाड़ा के कांग्रेस नेताओं के भाजपा में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, कमलनाथ ने कई गड़बड़ियां की हैं। नकुलनाथ ने आदिवासी अंचल का अपमान किया, इससे आदिवासी नाराज होकर भाजपा में आ रहे हैं। छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी ने बहुत गड़बड़ी की है और नकुलनाथ जी ने अपमान किया था आदिवासी अंचल का। गौंड समाज के राज परिवार गहराई के बैठ कांग्रेस बेईमान गद्दार आदिवासियों को किसी शब्द बोलना है तो शोभा नहीं देता है। इसी बात से आहत होकर के छिंदवाड़ा महापौर हमारे विक्रम भाई ने कहा कि मुझे ऐसी पार्टी में नहीं रहना जहाँ आदिवासियों का अपमान होता है। तो आज मैं अपनी कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके भाजपा में ज्वाइन हुआ। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रिपोर्ट के अंदर कांग्रेस कार्यालय से लेकर के कमलनाथ का आवास तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो भ्रष्टाचारी करप्शन नाथ कमलनाथ आज छिंदवाड़ा की जनता में, जनप्रतिनिधियों में, और जो हमने कहा था कि छिंदवाड़ा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण की योजनाओं के हितग्राहियों का गढ़ है, तो आज वहां की जनता ने तय कर लिया है कि 2024 के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस बार कमल का फूल छिंदवाड़ा में खिलेगा। और जिस प्रकार से कमलेश वहां के वरिष्ठ नेता हैं, आदिवासी समाज के विधायक हैं, विधायक से इस्तीफा दिया और उन्होंने ज्वाइनिंग किया, उनको अपमानित किया गया जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग करके नकुलनाथ के द्वारा, इसका जवाब छिंदवाड़ा का आदिवासी समाज, छिंदवाड़ा का आम जन इनको देगा। और प्रचंड बहुमत से प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी की विजय श्री के साथ कमलनाथ जी की छिंदवाड़ा से रवानगी होगी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।